गुड मॉर्निंग और फिर से आज के हैं नए ब्लॉग के साथ। और ये जैसे थोड़ा बहुत चेंज दिख रहा होगा जैसे, क्योंकि आज हम NS 200 नहीं चला रहे हैं, यानी जो अपनी राम प्यारी नहीं चला रहे हैं। आज हम चला रहे हैं अपने पापा की स्कूटी। ये है TVS वीगो, जिसको निकनेम है इसका ततैया, जो सोनी जी ने रखा था। तो ये हम आज इसलिए चला रहे हैं क्योंकि ये हमने ली थी 2012 में, और पहली गाड़ी थी घर की, तो उससे मतलब बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं, काफ़ी ज़्यादा इसको लगाव है। तो मैं इसकी क्लिप डाल दूंगा, उसमें देख लेना कि इसकी हालत कंडीशन क्या हो गई है। मतलब वैसे चलने वाइज तो अच्छी है, इसको अभी मैंने बोर्ड बनवा दिया था और बाकी सारा काम तो उसमें डन है, लाइट वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस क्या लुक्स में थोड़ी दिक्कत है, क्या है ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें क्या है कि बिल्कुल कलर फेड हो गया है, और क्या है कई जगह ना, कई बार ये थोड़ी गिरी वगैरह भी थी, तो किसी को भी इसने गिरा दी, तो क्या किया जो नॉर्मल कोई भी पेंट है डिस्टेम्पर कभी लगा दिया, कभी ऑयल पेंट कर दिया, कभी स्प्रे पेंट हो गया, तो कई ज़्यादा अलग अलग कलर्स के पैचेस हैं गाड़ी पर। और यहाँ नीचे डैशबोर्ड साइड दिख रहा होगा वाइट कलर, तो ये भी पापा ने वर्कर को दी थी गाड़ी, तो उसने पेंट फैला दिया था इस पर। तो ऐसी मतलब बिल्कुल इस मामले में तो बहुत ख़राब, ज़्यादा बदतर कंडीशन हो गई गाड़ी की इस मामले में। तो पापा भी अभी है नहीं, पापा गांव में हैं, तो ये गाड़ी अभी मेरे पास है, फ्री है वाली गाड़ी। तो मैंने सोचा पापा नहीं हैं तो ये थोड़ा सरप्राइज़ दे दिया जाए, पापा जब आएँ तो उनको अच्छी मिले गाड़ी कंडीशन में। तो इसीलिए आज हम इस गाड़ी को कलर करवाने आए हैं सिंदेगी छावनी, मतलब पहुँचने वाले हैं लगभग सिंदेगी छावनी में। गाड़ी को हम पेंट करने के लिए आज डाल देंगे, तो मोस्टली अपन 90% कल ही मिल जाएगी, या शायद परसों मिले, तो उसके बाद में तो खड़ी कर देंगे, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है कि अपन इतनी अच्छी गाड़ी से घूमें और पापा वाली गाड़ी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। इसीलिए फिर इसको, और क्या है कि जैसे इसमें स्क्रैच दिख रहा होगा यहाँ पे, तो हम जहाँ पहले रहते थे तो वहाँ एक लड़का था, उसने पूरी गाड़ी पे मतलब हर पैनल पे ऐसे स्क्रैच करे थे पत्थर पे, तो उसके स्क्रैच भी हैं। तो बस इसी कुछ कारणों से गाड़ी की हालत ख़राब थी। अब हम जहाँ पेंटिंग के लिए जा रहे हैं, ये हमारे ग्वालियर में बेस्ट है छोटू पेंटर, जहाँ से मैंने अपनी NS 200 भी पेंट कराई थी, जो उसमें अभी पेंट दिखता है आपको, ये वैसा रेगुलर नहीं है, कंपनी से नहीं आया था, ये मैंने खुद कराया था। ये थी पहले ब्लैक एंड सिल्वर कलर में, शाइनी ब्लैक ग्लॉसी में थी, उसके बाद मैंने इसको मैट में कराया था, और उसके रिम्स ब्लैक थे, तो रिम्स मैंने कराए थे इसके गोल्डन करा लिए थे, तो काफ़ी अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो इसीलिए स्कूटी भी हम डालेंगे, और थोड़ा बता दूंगा मैं स्कूटी के में क्या कराएंगे, क्योंकि स्कूटी में तो ऐसा ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करानी है। इसे हमने NS का पूरा कलर चेंज करा दिया, जो रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का वो है मस्टर्ड येलो कलर में मेरी NS 200 का, पर ये है। उसके बाद ये थी, जब मैंने इसको सेकंड हैंड परचेज़ करी थी तब ये थी ब्लैक एंड सिल्वर ग्लॉसी ब्लैक, लेकिन कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई थी पेंट की। तो अब लेकिन स्कूटी में रेड कलर की है, तो उसको रेड ही कराएंगे, बस थोड़ा पेंट दोबारा हो जाए, जैसे ये सामने गाड़ी बाइक में चमचमा रहा है, ऐसा पेंट हो जाए तो सही रहेगा। के लिए अभी ये आ गए हैं, यही दुकान है। यहाँ पर डाल दिए गाड़ी, और मेरे बाल थोड़े बड़े बड़े हो रहे हैं, मैंने कटाए नहीं है, क्योंकि बाबा एक्सपायर हो गए थे, मेरे बाबा के बड़े वाले जो भाई हैं एक्सपायर हो गए थे, इसीलिए मुझे अभी टकला होना है 3-4 दिनों पाए, तो फिर उसके बाद इसलिए मैंने नहीं कटा रहा हूँ। और गाड़ी मैंने डाल दी है, ये जैसे दिख रही है दुकान की, तो मैंने डाल दी है करीब अराउंड 4,000-3,500 गरीब का स्टिकर्स मिला के हुआ है काम, तो बस सही है, अप्रोप्रिएट है, डाल दी मैंने गाड़ी। परसों मुझे गाड़ी मिल जाएगी, अगर ऐसे कल की कहता तो मैं करने लाती, पर मुझे कोई जल्दी नहीं है, तो परसों मैं गाड़ी उठा लूँगा, तब मिलते हैं, अभी कुछ है नहीं, परसों मिलते हैं, परसों दिखाते हैं आपको गाड़ी जब मिलते आती है। 2 days later यहाँ पे स्कूटी पूरी कलर हो गई है, स्टिकर लग रहे हैं बस अभी, यहाँ पे लग रहे हैं स्टीकर गाड़ी में, गाड़ी पूरी देखो चमचमाता रेड हो गया है, व्हील इंजन सब पेंट हो गया है, बस का ये नीचे का फुटपैक मतलब मैट भी, ये यहाँ पे कलरों ने अभी डली है, अभी मैं जस्ट चार के आया हूँ, स्पीकर यहाँ पे लग रहे हैं। स्कूटी रेडी हो गई है, जैसे परसों की कही थी, पर एक दिन पहले मिल गई, मुझे पता था।
आपको, अब मैं दिखा देता हूँ स्कूटी का फाइनल लुक। और हमारे साथ आए हैं हमारे चहेते, दिखाओ आके दिखाओ कन्या कंजी आगे करा। A few moments later, यहाँ पे ये पाँच लगा रही है दीदी खड़ी है। ओए आज बड़ी ले आया कोचिंग से, क्या कर रही है मम्मी? पानी दे रही। चलो यार एक चीज दिखाऊं। अरे बढ़िया है, तुम देखो तुम खुश हो जाओगी। मेरा पानी चल रहा है इधर। पानी को बाढ़ थोड़ी आई इतनी देर में। चलो चल आया, तू भी आया तो कभी दिखा दूं। आया चलो ये सब मत दिखा कर, आया ये देखो क्या कैसी लग रही है। इतना कलर करवा दिया है तूने? ओ मम्मी देख लो नई जैसी हो गई है। हाँ यार ये तो बड़ी सुंदर लग रही है, पहले जैसी लगने लगी। देखो अपनी गाड़ी है, नंबर देख लो। हाँ ये तो अपनी सही लग रही है मम्मी। अरे थोड़ी आज बारिश हो गई थी ना वहाँ पे, देखो इसलिए गंदी हो गई थोड़ी, मैट वगैरह सब बिल्कुल। हाँ यार बहुत सुंदर लग रही है यार, सुंदर स्मेल भी आ रही है उसकी। पेंट है ना नया हुआ है, एकदम न्यू गाड़ी है ये। तो कल मैं इसको साफ कर दूंगा, इसकी जितनी वो धूल वूल है सब झड़ा दूंगा। जा रहे हैं ठीक है, पापा से बोल देना अच्छी करवा के। पापा पहले देख चुके, पापा ने तो ब्लॉग खराब कर दिया, पापा मेरे बताने से पहले देख चुके। चलो ठीक है, तो कल मैं उसको धोके भी दिखा दूंगा कि बिल्कुल चमचमा रही है गाड़ी। और वहां तो खड़ी है मेरी राम प्यारी।